वेलकम टू डिकॉर्नेस बाय नेहा। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 2nd of November और है धनतेरस का दिन, तो हैप्पी धनतेरस टू यू ऑल। एंड मोस्ट प्रोबेबली जब तक ये व्लॉग मैं लाइव करूंगी, जब तक आपके साथ ये शेयर करूंगी, तब तक दिवाली भी निकल चुकी होगी। तो मैं एडवांस में आपको विश कर देती हूँ हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। तो विशेस पेंडिंग क्यों रखी जाए, तो पहले विश करना बनता है। तो धनतेरस है तो धनतेरस की शॉपिंग तो बनती है, लक्ष्मी गणेश जी का आगमन तो बनता है घर में। तो चलिए लेके चलती हूँ आपको अपने साथ में, लक्ष्मी गणेश जी का आगमन कराते हैं घर में और साथ ही में मार्केट का एक चक्कर तो बनता है ना। तो दिवाली की छोटी मोटी झलकियां तो मैं आपको जरूर से दिखाऊंगी इस वीडियो के अंदर, लेकिन जो मैंने मेकओवर्स किए हैं, जो DIYs बनाए हैं, जो शॉपिंग हॉल्स हैं दिवाली से रिलेटेड, वो सब जरूर से चेक करिएगा अगर अभी तक भी आपने नहीं किए हैं। मैं सारे वीडियोस के लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। एंड मेरे साथ फन व्लॉग्स, फन शॉट्स एंड फन मेकओवर्स जरूर एंजॉय करिए। तो अगर किसी भी रीजन से ये सब वीडियोस अच्छी लग रहे हैं आपको, तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करिएगा टू एनकरेज मी। गणेश लक्ष्मी जी बड़े वाले हैं। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है दिवाली, हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। तो कल का दिन तो पूरा सफाई में निकल गया था, ज्यादा कुछ लिया नहीं धनतेरस पे, थोड़ा बहुत सामान लिया लक्ष्मी गणेश जी लिए, वो भी आपको दिखाती हूँ मैं। तो कल का पूरा दिन घर को सजाने में और सुंदर बनाने में निकल गया और आज दिवाली है तो सारी दिवाली की तैयारियां हो चुकी हैं, मैं भी तैयार हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ फटाफट से कि दिवाली की क्या तैयारियां करी और मैंने धनतेरस में क्या लिया, और फिर पूजा करते हैं और पटाखे छुड़ाते हैं। तो ये नविका ने बनाई है बहुत सुंदर सी रंगोली, इस बार नविका ने ही बनाई है रंगोली, मैंने नहीं बनाई है, बेटियों का यही तो फायदा है ना। से हेलो। ये हो गई है दिवाली की तैयारी पूरी, मिठाइयाँ दिए रेडी हैं, थोड़े से मैंने ये वाले दिए भी रख लिए हैं, सजा सब रेडी, यहाँ पे पूरी तैयारी हो गई है पूजा की। ये मेरा छोटू सा मंदिर जो मैंने सजा रखा है। तो धनतेरस पे मैंने ये एक प्लेट खरीदी थी, ज्यादा कुछ नहीं खरीदा था, एक ये प्लेट खरीदी थी गणेश लक्ष्मी जी के लिए, ये मालाएं खरीदी थी। और अभी आपको गणेश लक्ष्मी जी दिखाती हूँ। तो बाकी तो ऐसी सजावट का थोड़ा बहुत सामान लिया था मैंने। तो ये है मेरे गणेश जी लक्ष्मी जी। तो अभी मैं पूजा के टाइम पे स्थापना करूंगी इनकी, है ना बहुत सुंदर से मैंने सजावट की है, वो अभी दिखाती हूँ आपको, आप बताइएगा कैसी लगी आपको। मैंने सजाया अपना लिविंग रूम दिवाली के हिसाब से लाइट सगा के, और बाहर वाली जो लाइट्स है वो मैं आपको इवनिंग में दिखाऊंगी, अभी तो वो ब्यूटीफुल लगेंगी नहीं। यहाँ पे देखिए मैंने अपनी चुन्नी का यूज किया है सजाने के लिए, ये दूसरी चुन्नी यूज करी है। तो सबसे पहले मैं बाहर बालकनी इसका दिखा देती हूँ आपको लाइट्स कैसी है, क्योंकि अब अंधेरा हो गया है तो आराम से दिखेंगे। तो
तो ये है मेरी छोटू सी लाइट। मैंने इस बार ज्यादा लाइट्स नहीं लगाई है, थोड़ी सी ही लगाई है। तो ये फर्स्ट वाली बालकनी की है, दूसरी वाली बालकनी में मैंने ऐसे लगाई है पेड़ों के ऊपर, नीचे की तरफ लटक रही है। तो उस वाली बालकनी में पिंक लाइट्स लगाई हैं और इसमें मैंने जो है ब्लू लाइट्स लगाई हैं। और ये है मेरा लुक। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरी पूजा हो चुकी है, अब मैं जा रही हूँ मम्मा के पास, वहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे दिवाली, बची हुई पटाखे फोड़ेंगे जिनकी झलकियाँ मैं डाल दूंगी वीडियो के अंदर। तो आई होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, मेरे साथ दिवाली एंजॉय करी होगी आपने भी। आप लोगों की दिवाली बहुत 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 अच्छी रही हो और बहुत मजे किए हो। एंड चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर किसी भी रीजन से आई हो तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। अगर अभी तक भी आपने नहीं किया है तो मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो बाय बाय, सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। ननकू।